हे गाइस, वेलकम टू शीतलाज वेट एंड वॉच। आज आपका फिफ्थ डे है। सीधे एक्सरसाइज में घुसते हैं हम लोग कि आज क्या करना है आपको। सबसे पहले आप सबके जंप है, आप हाथ कमर पर ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा पकड़ के। आपको जंप करनी है ये वाली, पर कैसे करनी है वो आप देखिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको जंप करते करते आगे आना है 4 स्टेप। 1 2 3 4 जंप करते हुए पीछे जाना है 4 स्टेप। 1 2 3 4 ये करना है आपको 32 टाइम्स। अब आप सोचिए कि मुझे काउंट क्या करना है, आगे पीछे काउंट करना है या फिर जंप काउंट करनी है। तो आपको अपनी जंप काउंट करनी है, पर आप करेंगे कैसे, आगे पीछे होकर आपको जंप अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको हाथ अपना वापस स्ट्रेट रखना है या मुट्ठी भी बंद कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। एक ही साइड का पैर जाएगा आपका पीछे की तरफ इस तरीके से। 1 बेंड भी होंगे थोड़ा सा, हम एक ही तरफ करेंगे कंटिन्यू। 2 3 4 5 ईच लेग करेंगे 16, मतलब इस तरफ 16 होगा, दूसरी तरफ 16 करेंगे वापस। 1 2 3 4 इस पैर से 16, इस पैर से 16। उसके बाद आप सबकी स्ट्रेचिंग है। आप कोई भी ऐसा दीवार ले सकते हैं, कुछ भी, आप घर पे टेबल या कुछ तो होगा ही, वहाँ आपको आपको इस तरीके से हाथ रखना है ऐसे, और थोड़ा सा दूर जाएंगे हम लोग और पैर कर लेंगे ऊपर और बेंड होना है। इसमें काउंट करना है आपको होल्ड करके 100। अब हमने होल्ड कर लिया, अब काउंट करना है अंदर। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेचिंग में हमेशा काउंटिंग स्लो होगी। ऐसे ही सेम अपोजिट साइड होगा, इस तरह 16 काउंट करेंगे 100। तो जंप हो गई आपकी आगे पीछे 32, ये वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपको 32 टाइम्स कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है ये वाली। 1 2 3 4 16 इधर, 16 उस तरफ। थर्ड मैंने बताया, स्ट्रेचिंग भी बताया था, उसमें काउंट करना है आपको 100 होल्ड करके। तीनों मिला के एक सेट हुआ। वापस आपको 12 सेट्स करने हैं, सुबह 6 कर सकते हैं, शाम को 6 कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी आज की। जो जंप नहीं कर सकते हैं वो ट्राई करें कि जंप करें, क्योंकि आज आपका फिफ्थ डे ऑलरेडी हो चुका है, तो इतना तो बॉडी कैपेबल हो गई होगी, आप जंप कर सकते हैं। पर जिनसे जंप नहीं हो रहा होगा वो ये वाला एक्सरसाइज डबल करेंगे, मतलब 32 हो जाएगा ईच लेग। पर कोशिश कीजिएगा कि आप जंप करें। ये आज आपका फिफ्थ डे का एक्सरसाइज था, लास्ट डे है, बहुत अच्छे से कीजिएगा, रिजल्ट सुपर आने वाले हैं। फिर मिलेंगे, थैंक यू।